कुछ हुआ क्या यार? कोई फायदा नहीं है यार, मुझे लगता है कोई ना कोई मैकेनिक देखने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। इतनी रात गए इस सुनसान जगह में तुम्हें कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? और फिर तुम्हें इस जगह के बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं है। अरे इसे यही छोड़ के टैक्सी में चलते हैं यार, कल सुबह मैकेनिक को साथ ले आएंगे। थोड़ा सब्र करो तुम लोग यार, रात भर खुला रहने वाला कोई गैरेज तो यहाँ पर होगा, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम लोग को मोबाइल पे कॉल करूंगा। आखिर ये मुंबई है यार, यहाँ रात भर कोई नहीं सोता, रात भर लोग उठे रहते हैं। इस सुनसान जगह में इसे कोई मिलेगा क्या? इस एरिए में रूट नंबर 61 पर सिर्फ एक ही बस मिलती है, 143S। रात को इस सुनसान सड़क पर घूमने वाले मुसाफिरों का इस बस में स्वागत है। एक फोन कर लेता हूँ मैं, 9821346577। हेलो शोभा, लगता है तुम लोग ठीक कह रहे थे यार, आधे घंटे से एक इंसान तो क्या, गली का एक कुत्ता तक नजर नहीं आया। अच्छा तो मैं तुम्हें फोन करता हूं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, मुझे ये बता सकते कि यहाँ पर कार गैरेज कहाँ होगा? अरे दूर हट जा यहाँ से, बस आ रही पीछे से। भाई साहब भाग जा कहीं, भाग जा, मुझे किसी भी गैरेज का पता बता सकते हैं? अरे यार बस आ गई पीछे, भाग भाग जा यहाँ से। अरे बस रोकिए भाई साहब, बस रोकिए, एक मिनट भाई साहब प्लीज, बस रोकिए। अरे ये कैसी बस है, इसकी तो कोई आवाज ही नहीं है। देखिए भाई साहब, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपकी बस में बैठ सकता हूँ? थोड़ी दूर पर हमारी जीप खराब हो गई है और मैं किसी गैरेज की तलाश में हूँ। अरे कम से कम नहीं तो कोई टैक्सी ही मिल जाए तो। हाँ हाँ आओ, अंदर आओ। जाके भी मुझे कोई मैकेनिक या टैक्सी नजर आएगी मैं उतर जाऊंगा, आपका भाड़ा मैं दे दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, आपका टिकट तो बहुत पहले ही कट चुका है। शोभा, मुझे गैरेज में पहुंचने के लिए बस मिल गई है, हाँ, और मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। हाँ ओके, जल्दी ही लौटता हूँ। ओके बाय। आओ अंदर आओ। कौन है लोग, कहाँ जा रही है बस, रोको, बचाओ, बचाओ कोई, कौन है लोग, पानी की जाने मुझे, बचाओ, बचाओ। अच्छा तो आपके दोस्त अर्जुन ने रात 10:30 बजे आपके मोबाइल पर फोन किया था? जी हाँ। और अब रात के 2:30 बज चुके हैं, इसलिए तो हमें उसकी फिक्र हो रही है। हमने उसे मोबाइल पे बात करने की कोशिश भी की थी लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं है। जब से वो उस बस में बैठा है तब से उसका कुछ पता ही नहीं है, आखिर कहाँ गया वो? देखिए हमें इस थाने में 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए जहां तक हमें पता है उस एरिया में 10:00 बजे के बाद कोई बस जाती ही नहीं है, क्योंकि वो एक कमर्शियल एरिया है और वहां तो कोई रहता ही नहीं है। देखिए सर, हमें बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना गया हो, प्लीज इंस्पेक्टर साहब हमारी मदद कीजिए। ठीक है, आप दोनों यहीं पर इंतजार कीजिए। रामदास तुम एक काम करो, तुम मोटरसाइकिल लेकर जाओ और सारे एरिया का अच्छी तरह से चक्कर मारो। सर हम भी तो देखें ये लड़का गया कहां। जी सर, अभी देखता हूं। ये सब
ये सब क्या है भाई? यहाँ किसी ने खाना खाया है क्या? कोई पैसेंजर तो नहीं उतरा बस में से? अरे कोई है क्या? कोई है? अरे कोई है क्या? मुझे देख के छुप गए क्या सब लोग? निकलो बाहर, निकलो बाहर, बाहर निकलो। कौन हो तुम लोग? हाँ, भिखारी। भिखारी? तुम लोग यहाँ छुपे हुए क्यों? ये बताओ कि तुमने यहाँ किसी एक 20 साल के लड़के को देखा? हाँ, देखो शायद वो 10:30 से 11:30 के बीच इसी रास्ते से गया है। देखा है? बस के सिवा हमने कुछ नहीं देखा साहब। जैसे ही दूर से बस को देखा हम लोग छुप गए। बस? वो लड़की भी बस की ही बात कर रही थी। कौन सी बस? ये बस कहां से आती है और कहां जाती है बताओ। बस नंबर 143 कहां से आती है कहां जाती है कोई नहीं जानता। लेकिन साहब हम लोग जो सड़क पे सोते हैं इतना जरूर जानते हैं, जैसे ही पता चलता है कि बस आ रही है तो हम लोग सब छुप जाते हैं साहब। छुप जाते हैं? अरे लेकिन क्यों? क्योंकि जब भी रास्ते से बस गुजरती है तो रास्ते पे चलने वाला आदमी गायब हो जाता है। आप भी वापस चले जाओ साहब, आप भी वापस चले जाओ, अभी भी रात बाकी है, कभी भी बस वापस आ सकती है, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है साहब, आप वापस चले जाओ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। वापस चले जाओ साहब। नहीं नहीं, आप भी चले जाओ। अरे पागल हो गया? खतरा हो सकता है। अरे एक मिनट रुको तो सही। नहीं, नहीं, आप भी चले जाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ। सबके सब या तो पागल हुए हैं या पिए हुए हैं। अरे इनकी बकवास कुछ समझ में नहीं आ रही। अब तो लड़के को कहीं और ही ढूंढना होगा। कैसी बस है? इसकी तो कोई आवाज ही नहीं। कहीं ये वही बस तो नहीं? रोको, 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 बस रोको, 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 हाँ रोको। ए, बाहर आ जाओगे भैया, निकलो बाहर, निकलो। रात को इस एरिया में चलने वाली ये बस कौन सी है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। ये प्राइवेट सर्विस है साहब, खास मुसाफिरों के लिए। कुछ देर पहले तुमने एक 20 साल के लड़के को इस बस में बैठाया था? नहीं। जरूर बैठाया होगा, इस एरिया में सिर्फ यही एक बस चल रही है। आइए आप खुद अंदर चलकर देख लीजिए। आइए, कौन है ये लोग? हाँ, कहाँ जा रहे हैं सब? सभी सोए हैं क्या? हाँ, सबके सब गहरी नींद सो रहे हैं। हमें दूर जाना है, बहुत दूर, और तुम्हें उस एरिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। देखो साफ साफ बात करो,
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो लड़का किसी बस में बैठा था। वो बस ये भी हो सकती है। ठीक ठीक बताओ, वरना इन मुसाफिरों को जगाकर मुझे इनसे पूछना पड़ेगा। हाँ, मुझे याद है, जरूर एक लड़का इस बस में बैठा था। कहीं तुम उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? ये उस जगह के पूछ लो। ये तो सो रहा है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, भाई साहब आप ये तो रामदास की मोटरसाइकिल है। छोड़कर वो गया कहां? जयंती कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले वो लड़का, अब रामदास, दोनों एक ही रात में गायब हो गए। तुम्हें काम करो, पता लगाओ कि यहां पर कोई वॉचमैन या कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई भिखारी था जिसने शायद कुछ देखा हो। इन सबको पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लेकर आओ। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? तुम यही देखा साहब रात को? क्या देखा? ऐसा मुमकिन है क्या साहब? यार ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन भिखारियों का कहना है कि उन्होंने 3 बजे के करीब रामदास को देखा था। हाँ। अब उसके बाद क्या हुआ इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन ये लोग ये भी कहते हैं कि शायद वो बस में बैठा होगा। और वो लड़का अर्जुन जो गायब हुआ है वो भी तो बस में बैठा था ना। ये कौन सी बस है यार? सर, ये आदमी टीवी पर खबर सुनने के बाद ही आया है। ये ताराचंद स्टेट से थोड़ी दूर पर रहता है। सर, इसका कहना है कि पिछली रात ये वहीं पर था और ये उसी बस के बारे में बात कर रहा है। सर, तुमने कल रात अर्जुन को देखा था? जी। बताओ। मैंने उसे कहा भी, जा कहीं भी भाग जा, बस आ रही है, पर वो नहीं हटा। मैं उसे अपने साथ ही ले जाता तो अच्छा होता, पर मैं क्या करता साहब, मेरी हालत खुद खराब थी, मेरे पीछे से बस आ रही थी। सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, बस बस बस। आखिर ये बस है क्या? मैं खुद नहीं जानता साहब, लेकिन मैंने पहली बार जब उस एरिया में घर खरीदा तो लोगों ने मुझसे कहा कि वहां मत रहो। उन्होंने मुझे उस बस के बारे में भी बताया था, लेकिन मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दो बार मैंने उस बस को देखा था। अच्छा, ये बस दिखने में कैसी है? देखने में तो बिल्कुल आम बस जैसी है, थोड़ी पुरानी लगती है, लेकिन साहब उसमें आवाज नहीं होती, कोई आवाज नहीं, जरा भी नहीं। लेकिन तुम उस बस से इतना डरे हुए क्यों हो? ये मैं कैसे बताऊं साहब? एक दिन रात को जब मैं देरी से घर लौट रहा था तो मैंने उस बस को देखा, वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन वहां पर और कोई भी नहीं था साहब। फिर मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे बस में बैठने के लिए बुला रहा है। मैं बस की तरफ खींचने लगा, लेकिन ना जाने क्यों मुझे लगा कि अगर मैं बस में बैठा तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। फिर क्या हुआ? वो चुपचाप मेरा इंतजार करती रही, फिर वो बिना आवाज किए चली गई। वो डर का एहसास मैं आज तक नहीं भुला सका। उसके बाद जब भी मैं उस बस को देखता हूं तो बिना पीछे मुड़कर गाड़ी को तेज भगाकर निकाल ले जाता हूं। हवलदार, इनका नाम और पता नोट करो, अब आप जा सकते हैं। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलवा लेंगे। घर जाइए और आराम कीजिए, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। सर, ये आदमी कुछ पागल सा लगता है, क्या बकवास कहानी सुना रहा था ये? लेकिन ये भिखारी भी तो यही कहानी सुना रहे हैं ना, ये बस वाली बात। और मैंने भी सारे रिकॉर्ड चेक किए, उसे सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। क्या सर? पिछले 3 सालों में ताराचंद स्टेट एरिया से 12 लोग गायब हुए हैं, सभी के सभी
रात में गायब हुए हैं। कोई ये नहीं जानता उन्हें क्या हुआ, वो कहां गए। सिर्फ एक आदमी के गायब होते समय एक गवाह मौजूद था। उस आदमी का नाम था नायडू और गवाह का नाम विलास है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। हमें इस विलास से मिलना पड़ेगा। अब कहां है विलास? इस वक्त वो भाईकला मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। वो वहां उस दिन से एडमिट है जिस दिन उसकी आंखों के सामने उसने नायडू को गायब होते हुए देखा था। विलास जी, आपको फिर से तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं उस रात क्या हुआ था? फिर कोई गायब हो गया? बस में गायब हो गया? वही बस। हाँ, वही बस। क्या आप हमें उस बस के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपने उस रात क्या देखा? क्या देखा था? बात एक साल पुरानी है। मैं सिद्धार्थ नगर में एक सवारी छोड़कर आ रहा था। रास्ता भटक गया। मैं ताराचंद स्टेट के एरिया में पहुंच गया। मैं चंबूर का रास्ता भूल गया। मैं तभी मैंने एक कार आती हुई देखी। मैंने उसको रोका। मैं उससे पूछ ही रहा था। साहब, आप मेरी कुछ मदद करेंगे क्या? कि ये एरिया मेरे लिए एकदम नया है, मैं इसे पहचानता नहीं हूँ साहब, और मुझे चेंबूर की तरफ जाना है, रास्ता मुझे मिल नहीं रहा। मैं आप सुनिए, ऐसा कीजिए, यहाँ से सीधे जाइए और जो दाईं तरफ चौथा रास्ता आएगा ना, वहाँ पे से मुड़ जाइए, वहाँ से सीधे आप हाईवे पे निकल जाएंगे, सीधे चेंबूर के लिए रास्ता। कितना टाइम लगेगा वहाँ जाने? मुझे मार ही डाला था। अबे मुरे कई के दिखता नहीं है क्या? अबे मैं मार डालेगा किसी को, कई के चला रहा है क्या? मैं दिखता हूँ सर। क्यों पंगा ले रहे हैं इन लोगों से? अरे छोड़ो इसकी ऐसी के तैसी। अरे साहब, बात सुनिए। आप कहाँ गए? छुप गया क्या? बाहर निकल। साहब सुनिए, बाहर नहीं आएगा तो मैं अंदर आता हूँ। मैं तो कोई नहीं है। नहीं है? ड्राइवर के सीट पर कोई नहीं था। फिर अचानक स्टीयरिंग पर एक भयानक आकृति कहीं से आ गई। वो ड्राइवर के यूनिफॉर्म में, उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, जैसे बुरे सपनों में दिखाई देता है ना, एक डरावना चेहरा। कैसे हंस रहा था वो, कैसे हंस रहा था वो। फिर वो बस चली गई। वो आदमी चिल्लाता ही रह गया। वो भी चला गया उस बस के साथ। उसका कोई पता नहीं चला। मैंने आखिरी बार उस आदमी को देखा था उसी बस में। बस नंबर था 143S।
शाबाश। ये जगदीश जी कहीं नजर नहीं आ रहे? क्या बात है जगदीश साहब, आप इतने इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं? सर फटा जा रहा है तो इसका इलाज है ना अपने पास, एक दो गोलियां खा लो, ये लो। यहाँ पे ये अखबार कौन पढ़ रहा था? अच्छा तो आप ये अखबार पढ़ रहे थे इसीलिए इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो। आजकल अखबारों में ऐसी तो खबरें छपती कि किसी का खून हो गया, किसी को अगवा कर दिया, या फिर दंगा फसाद, या डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, या तो फिर अच्छा ये डीजल के भाव में बढ़ोतरी हो गई इसी वजह से आप इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अपनी ये जो बस है ना रूट नंबर 61, ये इसी डीजल विजल पे नहीं चलती, ये बस अपनी मर्जी पे चलती है और अपनी मर्जी पे रुकती भी है। बहुत काम हो गया रे, बहुत सामान मिल गया। ये भंगार वाला 10-15 रुपए तो देगा ही। हाँ रोड पे कोई नहीं है, सब सुनसान है, लगता है बहुत देर हो गई है। रोड पे ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत थक गया रे बाबा, इधर ही बैठ जाता हूँ। दो घूंट पी लेता हूँ, थकान दूर हो जाएगी। ड्राइवर हूं, तुम मेरे बस स्टॉप पे खड़े हो, मैं तुम्हें लेने आया। मुझे कहीं नहीं जा रहे। घबराओ नहीं, मैं जानता हूं तुम कहां जाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी मंजिल एक ही तो है। ये
दारू वाला रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है हा? लेकिन जिस रास्ते पे मैं तुम्हें ले जाऊंगा ना वो रास्ता बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं। आओ मेरे साथ आओ, वो तुम्हें डायरेक्टली अपनी मंजिल पे पहुंचा देगा। घबराओ रूट नंबर 61 की बात कर रहे हैं, वो ताराचंद स्टेट वाला बिजनेस एरिया? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हो ही नहीं सकता। उस रूट पर 143S नंबर की कोई भी बस नहीं चलती है। देखिए वो बस है तो जरूर, पिछले 2 सालों में कई लोगों ने उसे देखा है और उसके बारे में अजीब अजीब अफवाहें भी है। अच्छा, सो मे आई कम इन? हां हां आओ, ये लीजिए। अरे हाँ, इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से 143S नंबर की बस चलती तो थी, लेकिन वो तो 1994 में ही बंद हो गई थी। 1994 में, यानी कि 5 साल पहले। अच्छा, क्या आप हमें इस बस के बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं? हाँ, उस वक्त शहर में बसों की कमी थी और शहर की बाहरी बस्तियों से नई बसें शुरू करने का बहुत प्रेशर आ रहा था और रूट नंबर 61 उन्हीं में से एक था, है ना? हाँ, अब मुझे याद आ रहा है, उस वक्त एक प्राइवेट बस को उस रूट पर चलने की हमने इजाजत दी थी और उसका एक स्पेशल नंबर भी रखा था, 143S। 2 साल तक वो बस चली और एक दिन एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? उस बस का ड्राइवर एक देवधर नाम का आदमी था जो बहुत डिस्टर्ब रहता था, बहुत परेशान था वो और बहुत शराब पीता था। इस बात के लिए उसे 2 बार वार्निंग भी दी गई मगर कोई फायदा नहीं हुआ और एक दिन उसने उस बस का एक्सीडेंट कर ही दिया। पागल रहा होगा, एकदम पागल। वो मरते वक्त भी हंस रहा था। और वो बस? उसके बाद हमने रूट नंबर 61 की सर्विस ही बंद कर दी और उस बस का मलबा ये यहाँ पड़ा हुआ है। सुनो, वो टापोलिन उतारो। अगर 143S बस की ये हालत है तो वहाँ रूट नंबर 61 पर कौन सी बस चल रही है, मुसाफिरों को बिठा रही है, तो क्या वाकई ये उसी बस का भूत तो नहीं? सर देखो जयंती, मैं इस तरह की बकवास सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। अगर रूट नंबर 61 पर वाकई कोई बस चलती है इसका मतलब ये है कि वो बस बिल्कुल असली है और ये जो लोग गायब हो रहे हैं ऐसे गायब नहीं हो रहे, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर है और इसको पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? मैं खुद उस बस में बैठूंगा। आज की रात खास रात है, आज का सफर कुछ अलग ही है। सालों से इस रूट पर चल रहा हूं पैसेंजरों को ढूंढने के लिए, लेकिन आज मेरा काम आसान हो गया है क्योंकि आज कोई मेरा ही इंतजार कर रहा है, इस बस में चढ़ने का इंतजार। कोई अपनी मौत की तरफ भागा चला आ रहा है। मैं बस के लिए यहां इंतजार करूंगा, तुम जीप में बैठकर मुझ पर नजर रखना। सर, हम अपनी जीप वहां पार्क करेंगे और हम एकदम तैयार रहेंगे। सर जयंती जी, मैं जैसे बस में बैठूं और बस चलना शुरू हो तुम लोग फौरन मेरा पीछा करना। राइट सर। अच्छा, उन रोड ब्लॉक्स की क्या पोजीशन है? सर, 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारे आदमी तैनात हैं
सर जयंती है, सर हम आपको बिल्कुल ठीक तरह से देख सकते हैं सर। सीट पर कोई नहीं है, अंदर भी कोई नहीं लगता, बहुत अजीब लग रहा है, मैं अंदर जा रहा हूं। देवधर हो ना, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी, लेकिन तुम तो मर गए थे। हाँ। तो क्या हुआ इंस्पेक्टर, इसमें अजीब बात क्या है, यहाँ पे तो सब के सब मरे हुए हैं। हाँ? तुम ही हम सब से अलग हो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर दीपांकर बस में बैठ गए हैं, हम लोग बस के पीछे ही हैं। सारे ऑफिसर्स तैयार रहो इमीडिएटली। बहुत ही जल्दी तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। तेज चला और तेज चला। सर मैं जयंती बोल रही हूँ सर। और तेज चला। हेलो। माय गॉड ये क्या हो गया लाइन को? देखो देवता, पुलिस इस बस के आगे भी है और पीछे भी है। रूट 61 को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। बस बैरियर के पास आ रही है, हम लोग तैयार है, तुम लोग भी तैयार रहना। इंस्पेक्टर क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हो कि हम कहाँ हैं? ये रूट नंबर 61 नाम की कोई चीज ही नहीं। हाँ देखो बाहर झांक के देखो। हाँ देखो मुझे बचाओ, देखो में? मैं बाहर ड्यूटी पर था। हाँ। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, ऐसा लग रहा था जैसे बस से आवाजें आ रही हूँ। तो टॉर्च दो।
मोबाइल और रिवॉल्वर है, लेकिन वो कहाँ गया? और ये चीजें इस बस में कैसे पहुंची? इस बस में चढ़ने के बाद आखिर उसका हुआ क्या? ये बस इस बस में कुछ है, इस बस में कुछ गड़बड़ है। जल्दी से पेट्रोल का इंतजाम करो फौरन। ओहो, गाड़ी को भी यही खराब होना था। अब हम घर कैसे जाएंगे? यहाँ तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, क्या करें? अरे देखो बस आ गई, अब हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे। देखिए हमारी कार खराब हो गई है, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप हमें किसी टैक्सी तक लिफ्ट दे सकते हैं? परेशानी की कोई बात नहीं, अंदर बहुत जगह है, इस बस में हमेशा बहुत जगह रहती है। आप अंदर आओ। मालूम नहीं ये बस आखिर करती क्या है, रूट नंबर 61 पर कैसे आ जाती है, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, ये बस बहुत खतरनाक है, इसका नाश होना ही चाहिए, इसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। माचिस दो। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हमें बस थोड़ी दूर ही जाना है। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको जितनी दूर जाना है मैं ले चलता हूँ, ये बस बहुत दूर जाती है, बहुत। बस नंबर 143S फिर कभी रूट 61 पर नहीं देखी गई, लेकिन कौन जानता है कि फिर किसी रात लौट आए। अगर आप कभी बस नंबर 143S को बिना आवाज किए अपनी तरफ आते देखें और एक खतरनाक आंखों वाला ड्राइवर आपको बस में बैठने के लिए कहे तो आप बस में ना बैठें, अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।